भगवान महावीर कहते हैं जो व्यक्ति अज्ञान मूढ़तावश तीर्थंकरों पर ज्ञानी निग्रंथ पुरुषों पर उनकी वाणी पर संदेह करता है हर बात में संशय रखता है उनके वचनों में विरोध दिखाता है उनकी निंदा बुराई करता है उन्हें अज्ञानी कहता है ऐसा मनुष्य चौरासी लाख जीव योनियों में बार बार जन्म मरण करता है तरह तरह की वेदनाएं भोगता है इसलिए आगम में कहा गया है कभी निग्रंथ वचनों पर संदेह न करें अज्ञानतावश कुछ समझ में नहीं भी आए तो तीर्थंकरों पर या ज्ञानी ज्ञानी पुरुषों पर छोड़ दें पर उनके वचनों में संदेह न करें कि ये गलत है ये कैसे हो सकता है तीर्थंकरों ने गलत कहा है इत्यादि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तीर्थंकर संपूर्ण ज्ञान के धनी होते हैं उनके वचन कभी भी गलत नहीं हो सकते हो सकता है अल्प ज्ञानी होने की वजह से हमें समझ में न आए पर उनके वजन कभी भी मिथ्या नहीं होते इसलिए उन पर संदेह करना यानी अपने जन्म मरण के चक्र को बढ़ाने जैसा है इसलिए कभी भी ज्ञानी पुरुषों की आलोचना न करें ना ही उनके वचनों में विरोध दिखाएं।